तो नकली एडिटिंग वगैरह करते हो ना? मतलब मैं आपको फिर he is not world's strongest man. I am the world's strongest man. Eddie Hope. Be there. Hang on a second. Let me inflate again. 2 seconds. So come, Baba. That's better. Come, Baba. I call you out now. You fly to England and me and you, we do slap slap. And we find out who is the real world's strongest man. Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So, आज की इस वीडियो में दो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ खान बाबा से रिलेटेड. एक तो इसको बिना कपड़ों के, क्योंकि इसने जो फेक बॉडी सूट पहना होता है ना, जो पाकिस्तान का फेक फुकरा खान बाबा है, इसके फेक बॉडी सूट के बिना की पिक्चर्स जो है वो लीक हो चुकी है फाइनली. तो वो सारी पिक्चर्स मेरे पास आ चुकी हुई है. अभी आपको सारी की सारी वो पिक्चर्स दिखाऊंगा. लेकिन एक और बात है, खान बाबा को उसकी औकात से बहुत ऊपर के एक बंदे ने चैलेंज कर दिया है, जिसका नाम है एडी हॉल. अगर आप एडी हॉल को नहीं जानते, एडी हॉल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है. तो खान बाबा बहुत टाइम से फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता है कि ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन जीता हुआ है, जो कि फेक वेट्स उठा के इसने जीता था और पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज करके इसने जो वीडियो डाली थी. तो अब ये खान बाबा क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन चुका हुआ है, लेकिन एडी हॉल ने इसकी वीडियो देख ली. और जैसे ही एडी हॉल ने जो वीडियो देखी वो हंस हंस के पागल हो गया. तो एडी हॉल ने इसको चैलेंज कर दिया है कि तू एक बार इंग्लैंड आ जा और मैं तेरे चपेड़े मारूंगा. तो खान बाबा ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि एडी हॉल तूने 500 किलो की डेडलिफ्ट लगाई है, मैं 600 किलो की लगा के दिखाऊंगा. तो एडी हॉल ने इसको रोस्ट भी किया है. और मैं कहता हूं कि एडी हॉल भाई, आपको जरूरत नहीं थी यार इस दो टके के बंदे को इतना भाव देने की. ये बंदा, मैंने इसको इतनी बार चैलेंज किया हुआ है, ये मुझसे लड़ने के लिए नहीं आया अभी तक. आपसे लड़ना तो दूर की बात है, आप एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है. तो ज्यादा बात ना करते हुए अभी आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि खान बाबा की बिना कपड़ों की, या कह ले कि बिना फेक बॉडी सूट के जो इसकी वीडियो है वो दिखाता हूं. फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एडी हॉल ने जो इसका टपड़प किया, जो इसका रोल किया था, वो देखने वाला है भाई, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है. तो उसके लिए वेट जरूर करना. फिलहाल आप ये सबसे पहले ये खान बाबा की कुछ नंगी पुंगी, आप मैं नंगी पुंगी तो नहीं कहूंगा, लेकिन विदाउट बॉडी सूट इसकी कुछ पिक्चर्स देखें.
जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, खान बाबा की जो असली बॉडी है वो मुझसे भी ज्यादा पतला है। मेरा जो बाइसेप्स है ना, इसको आप देख लो, तो मुझसे भी कम बाइसेप्स है। और ये मोटा गेंडा बोलता है ये 400 किलो का है और इसमें सारी की सारी हवा भरी हुई है। हम लोग कितनी बार बात कर चुके हुए हैं, अभी ऐसा ही सेम बॉडी सूट एडी हॉल ने भी बनवाया है। अभी आप पहले वो देखे और बहुत ही फनी सा उसने अपने आप को खान बाबा बनाया, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एडी हॉल का फेक बॉडी सूट है, तो अभी आपको सुनवाता हूँ कि एडी हॉल ने कहा क्या है इसके बारे में। So come, Baba. That's better. Come, Baba. I call you out now. You fly to England and me and you, we do slap slap. And we find out who is the real boss of this man. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एडी हॉल का साफ साफ कहना है कि खान बाबा तू अगर अपने आपको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मानता है ना, तू एक बार इंग्लैंड आ जा और इंग्लैंड आके हम वन वर्सेस वन स्लैब का चपेड़े मारनों का मैच हम लोग करेंगे। तो एडी हॉल भाई, इस टट्टू को, पाकिस्तानी टट्टू को मैं पहले भी बहुत बार चैलेंज कर चुका हूं। ये खुद बोला था मैं इंडिया आने वाला हूं, ये आपको भी यही बोलेगा कि मैं इंग्लैंड आने वाला हूं, लेकिन ये आएगा नहीं। ये बाद में बातें बना देगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि मुझे भी ये कह रहा था कि मैं इंडिया आने वाला हूं। मैंने कहा ठीक है तू आ जा, मुझे इसने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तक बुला लिया था, मैं वहां पे भी चले गया था। ये नामर्द बंदा, मैं इसको बंदा तो नहीं कहूंगा, ये नामर्द औरत जो है ये खान बाबा वहां भी नहीं आया। तो इंग्लैंड आना तो दूर की बात है, पहली बात तो इस टट्टू को वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है कि यार ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, और खास करके ऐसे बंदों को तो खास करके ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता एडी हॉल भाई की ये आपके बुलाने पे इंग्लैंड आने वाला है। अगर ये आ भी गया तो 3-4 चपेड़े आप मेरी तरफ से भी लगा देना, मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये इंग्लैंड आता है तो मैं भी वहां पे आऊंगा। फिर पहले आप इसके चपेड़े मारना, फिर बाद में मैं भी इसके चपेड़े मार दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने लोग देख रहे हैं आपको भी पता है कि ये 100% फेक बंदा है जो खान बाबा है। अभी अभी इसकी एक और वीडियो है, अभी आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये इसने औरतों के ऊपर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी की एक फीमेल रिपोर्टर को भी इसने बहुत ज्यादा डराया धमकाया, और उसके साथ जो कैमरामैन था उसके ऊपर हाथ भी उठाया। अभी आप वो वाली वीडियो देखें। तो नकली एडिटिंग वगैरह करते हो ना, मतलब मैं आपको फिर तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि खान बाबा भी औरतों के ऊपर भी इसने हाथ उठाना शुरू कर दिया, औरतों को भी डराना शुरू कर दिया है। तो ये यहां से ही इसकी नामर्दी साफ नजर आती है। ऐसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है जो अपने आप को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन क्लेम करता है, बहुत तगड़ा पहलवान क्लेम करता है, लेकिन अपना जोर जो है वो औरतों के ऊपर दिखाता है। अगर खान बाबा तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तो तेरा बाप सुपर खालसा तुझे एक बार फिर से ओपन चैलेंज करता है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो अपने बाप सुपर खालसा का एक बार चैलेंज सेट करके दिखा, तुझे बगा बगा के मारूंगा मैं। जो तू ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जा तू जो ये बड़ा रेसलर बना फिरता है ना, चप्पलों से मारूंगा तुझे मैं। मेरे पास अभी इधर चप्पल ही पड़ी है, तो ये चप्पल से मैंने सिंगम दुबे का भी टबाड़ अप किया हुआ, तेरा भी इसी चप्पल से मैं टबाड़ अप करूंगा, और तुझे इतने गद्दे तरीके से मारूंगा ना, तेरी आने वाली सारी 7 पुश्ते तक याद रखेंगी तूने किसी इंडिया के रेसलर से पंगा लिया था। अभी इसने जब देखा कि इंडिया के रेसलरों को चैलेंज कर करके जब सुपर खालसा का चैलेंज आया तो ये रिप्लाई नहीं कर पाया, अभी इसने इंग्लैंड के बंदे के साथ पंगा डाल लिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडी हॉल भाई आप इसको पूरा पूरा ठोकोगे, इसके पूरी पूरी चपेड़े मारोगे। अगर कोई कसर रह जाती है तो मैं भी कोशिश करूंगा, वहां पे आऊंगा और आके इसका फुल टपड़ा हम दोनों मिलके भी करेंगे। अगर हम दोनों ने मिलके मारा तो ये बोलेगा कि मुझे दो बंदों ने मिलके पीटा, तो हम अकेले अकेले करके इसका टपड़ा करेंगे। तो अभी देखना ये होगा कि खान बाबा कब तक पहुंचता है इंग्लैंड। अगर इसको वीजा मिल गया, अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई, मे बी मेरे हिसाब से इसको इंग्लैंड का अगर वीजा मिला ना, तो ये इंग्लैंड जाके सबसे पहले काम करेगा, वहां पे काम करके 2-3,000 pounds इकट्ठे करेगा, क्योंकि सिर्फ वापस भी तो आना है भाई और आने जाने का खर्चा भी तो निकालना है। तो मेरे हिसाब से खान बाबा अगर इंग्लैंड जाता है तो 1-2 महीने बाद ही वापस लौटेगा। अगर पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा बोझ उनका कम हो जाएगा तो मैं उनको एडवांस में बता रहा हूँ कि आपका बोझ 2-3 महीने के लिए कम होने वाला है, क्योंकि इसको वहां पे जाके लेबर भी करनी पड़ेगी, आने जाने का खर्चा भी निकालना पड़ेगा। अभी देखना यह है कि कब ये टट्टू, पाकिस्तानी टट्टू, नामर्द पाकिस्तानी कब इंग्लैंड पहुंचता है एडी हॉल से मार खाने के लिए। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि एडी हॉल भाई आपने जो इसको चैलेंज कर दिया ना, इसकी जिंदगी बन गई है।
आप एक बहुत बड़े लेवल के और वर्ल्ड लेवल के बंदे हो, आपने इसको चैलेंज कर दिया। मैंने ये वैसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी अब अगर आपने चैलेंज कर दिया है, सारा कुछ हो ही गया, तो अब इसके चपेड़े जरूर मारना। अगर आप नहीं मार सके तो मैं तो इसको फुल बहुत जल्दी इसके चपेड़े तो मैं मार के रहूंगा।